प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। के इस वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्रियो, जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है, जिस तरह से पहला और दूसरा और थर्ड वेव अभी आने वाला, इस तरह से लोग कहते हैं और लोगों का मानना यह है कि ये तीसरी लहर जो आ रही है उसमें ज़्यादातर बच्चों पर असर होगा, इस तरह से माना जा रहा है। प्रियो, हम सभी लोगों को सावधान रहना है इस समय के दौरान। प्रियो, जिस तरह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और हम सभी लोगों को अभी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना महामारी जो कि अपने देश में फैल रही है, प्रियो हम तीसरी और थर्ड वेव से हमको सावधान रहना, हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहन हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए और किसी से ज़्यादातर मिलिए नहीं, और सिर्फ क्या कीजिए, अपने को सिरों को झुकाते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा आकाश और सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ज़्यादातर ये तीसरी लहर आएगी वो ज़्यादातर बच्चों पर असर करेगी, इस तरह से मानना है। प्रियो, तो आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ मैं तीसरी वेव के बारे में, हम सभी लोगों को प्रार्थना करना है और परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के भक्तों को यह जरूरी है कि परमेश्वर का भय मानकर चले और परमेश्वर की राहों पर चले। हमको गलत मार्गों पर नहीं चलना है, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ गलत काम नहीं करना है। प्रियो, हम सभी को ये बात जरूर ध्यान में रखना है। प्रियो, हम सभी को ये याद रखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर का भय मानकर और परमेश्वर की राहों पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना जरूर है और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बना के रखना है, ताकि इन सब महामारी से हम पार हो सके और हम ज्यादातर प्रार्थना में समय बिताना जरूरी, क्योंकि समय के दौरान हम घर में रहते हैं। तो हम सभी को ये बातें ध्यान में रखना, क्योंकि परमेश्वर के वचन, हर एक वचन आज पूरे हो रहे हैं और विश्वास में हम सभी को मजबूत रहना है। प्रियो, हम सभी को ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर के भय मानकर हमको चलना है, जिस तरह से नित्य वचन उसका 14 अध्याय और 27 आयत में कहा गया है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। यस प्रियो, हमको परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। परमेश्वर का भय मानकर हम चलेंगे तो जीवन का सोता पाएंगे। प्रियो, हम सभी को यह याद रखने की जरूरत है, क्या है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से क्या है, बच जाते हैं। परमेश्वर का भय मानने से क्या है, हम मृत्यु से बच जाएंगे, इस तरह से वचन कहा है। यदि हम सभी को क्या करना है, परमेश्वर का भय मानकर चलना है, परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताना जरूरी है, और कई सारी बातों को हमको ध्यान में रखना है। हमको घर से नहीं निकलना है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और साथ में मास्क भी लगाना जरूरी है। हम सभी को ये सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है, जितने भी नियम है, उन सभी को पालन करना है, क्योंकि तीसरी लहर आ भी सकती है। प्रियो, हम यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो कोरोना की ये तीसरी लहर भी आ सकती है। प्रियो, हम सभी को ध्यान रखना है और सरकार की बातों को भी मानना है और परमेश्वर का भय मानकर चलना है, तो हम इन सभी हालातों से निकल जाएंगे। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आमीन।